जय हिंद एस्पिरेंट्स काफी लोग कई बार ये सोचते रहते थे और आपस में लोग डिस्कस भी करते थे कि ये 2000 के नोट आजकल मार्केट में दिखाई नहीं देते इसी के साथ साथ एक नॉर्मल चाय पे चर्चा का विषय भी बन जाता था क्योंकि लोगों को याद आ जाता था वो आठ बजे का दौर जहां पर एक दिन मोदी जी आए और उन्होंने कह दिया कि अब ये नोट नहीं रहेंगे सर्कुलेशन में जिसके बाद आप लोग देखते हैं कि 2000 का नया करेंसी नोट लाया गया और जैसे ही वो मार्केट में देखना बंद होता था लोगों को एक डर का माहौल बन जाता था बट ऐसी अभी तक अफवाहें उड़ती रहती थी बट आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2000 का जो नोट है वो अब सर्कुलेशन से बंद होने वाला है क्लियर सो आरबीआई जो है वो दो का नोट यहां पर सर्कुलेशन uh, से खत्म कर रही है ठीक है और थर्टी सेप्टेंबर 2023 ऑनवर्ड्स जो नोट है वो अब पब्लिश नहीं किया जाएगा और ना ही वो सर्कुलेशन में रहेगा घबराने की बात नहीं है आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम है जहां पर आप आराम से अपने जो नोट्स हैं उन्हें बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं इसी के साथ-साथ ये जो नोट्स हैं इसमें लिमिट रखी गई है कि आप एक दिन में 20000 तक की करेंसी जो है अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक तो यहां पर अगर देखा जाए तो आरबीआई का जो ये रीसेंट नोटिफिकेशन आरबीआई के द्वारा दिया गया है ठीक है इसमें आरबीआई जो है उन्होंने ये बताया कि ये बैंक नोट नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस कराए गए थे Primarily उस समय पर जो करेंसी की रिक्वायरमेंट थी जब 500 और हजार के नोट बंद कर दिए गए थे ठीक है सो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 2000 थाउजेंड बैंक नोट वॉज मेट वंस बैंकोट बैंक नोट इन अदर डिनोमिनेशन बिकेम अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटीज क्लियर इसके बाद उन्होंने कहा है कि अबाउट 89% परसेंट ऑफ दी 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स वर इशूड प्रायर टू मार्च 2017 तो आप देख सकते हैं कि आ, सरकार के मुताबिक यहां 2017 से ही जो नोट्स uh, हैं इनका जो पब्लिकेशन है वो बहुत कम हो चुका है ठीक है टोटल वैल्यू ऑफ दीज़ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.73 लाख करोड़ एट इट्स पीक एज ऑन मार्च 31st 2018 क्लियर इसी के साथ साथ सरकार यहां पर कह रही है कि यह हमारी एक क्लीन नोट पॉलिसी है ओके बाय दिस क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट हैज बीन डिसाइडेड टू विदड्रॉ दी टू थाउजेंड डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन बैंक नोट इन टू थाउजेंड डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर यह लीगल टेंडर रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज से इन्हें कोई आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लियर दे रिमेन अ लीगल टेंडर एंड इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई है सिमिलर विद्रॉल ऑफ नोट फ्रॉम सर्कुलेशन इन ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन तो आरबीआई ने बता दिया कि ये हमारा हम ऐसा जो डिसकंटिन्यूएशन है आ, वो नोट्स का कर देते हैं ऐसा विड्रॉल हमने 2013-2014 में भी किया था क्लियर अब यहां पर किया गया है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंगली दकॉर्डिंगली मेंब्लिक में डिपोजिट टू थाउजेंड बैंक नोट्स इनटू देयर बैंक अकाउंट्स एंड और एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन एट एनी बैंक ब्रांच डिपॉजिट इंटू बैंक अकाउंट कैन बी मेड इन दूजुअल मैनर दैट इज विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड सब्जेक्ट टू एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन एंड अदर एप्लीकेबल स्टेच्यूटरी प्रोविजन क्लियर इसके साथ साथ यहां पर बहुत क्लियरली जो आ, यहां पर लास्ट लाइन यहां पर मेंशन की गई है उसमें ये आ, आप ये आप देख सकते हैं बताया गया है इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑपरेशनल कन्वीनियंस एंड टू अवॉइड ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बैंक ब्रांचेस एक्सचेंज ऑफ टू थाउजेंड बैंक नोट टू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन कैन बी मेड अप अपू अट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एट अ टाइम एट एनी बैंक स्टार्टिंग मे ट्वेंटी तो आप तेईस मई से ये नोट्स जमा करा सकते हैं एक दिन में बीस हजार तक के जो नोट्स हैं वो आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं और उनके बदले चाहे तो आप जो अभी बाकी डिनोमिनेशन uh, अवेल कर सकते हैं क्लियर तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है आपको बाकी भी काफी टाइम दिया गया है थर्टीएथ सितंबर 2023 तक बट दिस इज अगेन अ मेजर डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट क्लियर तो ऐसी ही और इंपॉर्टेंट न्यूज जानते रहने के लिए हमारे टेस्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस सी एपीएफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉगेट टू प्रेस दी आइकन इसी के साथ साथ अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और सी डी एस सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफर भी है आपके पास ओके प्लीज डू अवेल इट ओके एंड प्रिपेयर विद सुपर टीचर्स एट अ वेरी लो प्राइस क्लियर सो विल सी यू ऑल इन सेशन जय हिंद